वेलकम स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट आई एक्सप्लेन यू अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन समटाइम्स इट मे बी गिवन दैट ट्रीट इट एज अ चार्ज। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक वॉज क्लियर, आई हैव सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑल्सो। ठीक है, नाउ इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मीनिंग यू ऑल आर नोइंग क्लियरली, है ना? What is interest on drawing? Owner, for his personal use, withdraws some amount of money, cash, goods, ठीक है? That is called as drawing. And on that drawing, now the owner will pay interest to the business. We have business, owner will pay interest to the business, and that is called as interest on drawing. So interest on drawing is an appropriation also, ठीक है? It is an income for business. So it was coming in the credit side of profit and loss appropriation account. ये treatment clear था, ठीक है? So now why we are studying this topic? ठीक है? We are studying this topic because कई बार ऐसा होता है कि owner does not withdraw only one time, partner. He does not withdraw only one time. He may do multiple drawings. Multiple मतलब 4-5 times. Suppose 1st January को पैसे निकाले. देन सपोज मन हुआ 1st अप्रैल को निकाले, देन सपोज 1st जून को निकाले, ठीक है, देन कभी सपोज 31st दिसंबर को निकाले, एनी डेट ही कैन चूज, एंड ही इज ड्रॉइंग मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो फिर उस केस में क्या करना है? तो क्या करना है मतलब क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100 सिंपल निकाले? नहीं, उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो एक क्लॉज है बस, ठीक है? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर वी हैव रेड इन 11th क्लास, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैनेजर कमीशन, वो एक एक क्लॉज होते थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। ऐसे ही इन पार्टनरशिप क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ओनली वन क्लॉज। अब अगर वन क्लॉज है और सपोज एक ओनर अगर 3-4 बार विड्रॉ करता है, एंड सपोज सेकेंड पार्टनर इज ऑल्सो देयर, ही ऑल्सो ड्रॉ 4-5 times, तो 4 times इसकी इंटरेस्ट निकालो अलग अलग अमाउंट, ठीक है, एंड 4-5 times उसकी निकालो, तो 9 times वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट, और वो सिर्फ एक पॉइंट होगा? नहीं। सो फॉर इट अ शॉर्टकट इज मेड, तो वी हैव टू स्टडी दैट मेथड कि इफ एनी पार्टनर डू मल्टीपल ड्रॉइंग्स, मेनी अ टाइम्स ही डू ड्रॉइंग्स, देन इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड वी कैन फाइंड आउट टोटल इंटरेस्ट एट वंस? इंडिविजुअली फाइंड करने की जगह हम इकट्ठा निकाल लें, ठीक है? दिस इज द मेन लॉजिक व्हाई वी आर स्टडिंग दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टॉपिक। ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग इट। सी हियर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर गोइंग ऑन, पार्ट 7। ठीक है, सब टॉपिक हियर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 methods। फर्स्ट इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मतलब वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100, दैट इज सिंपल मेथड। ठीक है, क्लियर? सेकेंड, वेन मल्टीपल ड्रॉइंग्स आर देयर, वेन एनी पार्टनर, 2 partner, 3 partner, he or she withdraws many a times during the year, 3 times, 4 times, 5 times, whatever aisa. So, us case mein also there are 2 sub methods. First is product method and second is average due date method. This part focus on product method. I have given an example also. And this part here, this part focus on average due date method. So, we will discuss each one by one. Okay, see here now. तो प्रोडक्ट मेथड व्हेन इट इज फॉलोड व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हियर 2 unequal words आर गिवन, वन इज दिस अनइक्वल एंड दिस इज सेकंड अनइक्वल। अब इसका क्या यूज है ये आई एम टेलिंग यू, ठीक है, क्लियर? बिकॉज एवरी टाइम इट इज नॉट मेंशन्ड कि यू हैव टू फॉलो प्रोडक्ट मेथड, सॉल्व द क्वेश्चन बाय प्रोडक्ट मेथड, और यू हैव टू फॉलो एवरेज ड्यू डेट मेथड। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन कि आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है कि एवरेज ड्यू डेट। सो फॉर दैट ओनली दिस इज द मेन लॉजिक आई एम टेलिंग इट कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फर्स्ट लेट अस कम ऑन एग्जांपल। फ्रॉम दिस एग्जांपल दिस स्टेटमेंट विल बी क्लियर कि ये अनइक्वल इंटरवल और अनइक्वल अमाउंट की बात क्या हो रही है। ठीक है, सी हियर, आई हैव रिटन हियर, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी हैज विड्रॉन दीज अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018। तो ये 4 drawings दी है, ठीक है, चारू की है, शी हैज विड्रॉन अमाउंट्स, ठीक है, 4 times ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन एट
9% पर एनम. तो 9% पर एनम के हिसाब से वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ठीक है ना. तो फर्स्टली आई हैव सॉल्व इट बाय सिंपल मेथड. सिंपल मेथड मतलब वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पर 100. मीन्स ईच प्रिंसिपल फर्स्ट मई को हुई हैज विड्रॉन 20,000, 31 जुलाई को हुई हैज विड्रॉन 10,000, 30 सितंबर को हुई हैज विड्रॉन 30,000, नवंबर 30 को हुई हैज विड्रॉन 40,000. तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सबका इंटरेस्ट निकाले. ठीक है. तो दिस फर्स्ट आई हैव सॉल्व जस्ट फॉर द नॉलेज ओनली, बट मेन आर फोकस इज नॉट दिस. ठीक है. सी हियर. तो सिंपल मेथड फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे इंटरेस्ट निकाला है. ठीक है. सो आई हैव मेड अ टेबल हियर, यू कैन सी डेट. ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम तो पूरा उतर जाएगा. ठीक है. बिकॉज ये है डेट, ये है प्रिंसिपल अमाउंट. तो सी मे 1 को ही हैज विड्रॉन हाउ मच 20,000. अब फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018. फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018. तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018. और इसने विड्रॉ कब किया है? मे 1. तो सी 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ, अप्रैल चला गया. ठीक है. अब उसने मे 1 को विड्रॉ कर लिया. मे 1 को विड्रॉ कर लिया मतलब कितने टाइम रहा? 31 मार्च 2018 तक कितना टाइम हुआ? 11 मंथ्स. सो आई हैव रिटन 11 मंथ्स. ओके. 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. ही हैज विड्रॉन 1st मे, मतलब एक महीना बीता, बाकी 11 महीने तक उसने अपने पास पैसे रखे ना. तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका? 11 मंथ. सिमिलरली सेकेंड ड्रॉइंग कब है? जुलाई 31. तो फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल बीत गया. ओके. मे फिनिश. ओके. जून फिनिश. ओके. जुलाई फिनिश. ओके. ठीक है. तो अप्रैल फिनिश, मे फिनिश, जून फिनिश, जुलाई, क्योंकि जुलाई के 31 हो गया है तो 4 मंथ ओवर. तो कितना टाइम पीरियड और बचा? कितने टाइम उसने पैसे यूज किए? 8 मंथ. सो आई हैव डन 8 मंथ्स एंड सब्सिक्वेंटली दीज. ठीक है. तो सिंपल मेथड में तो वी आर सॉल्विंग सेपरेट सेपरेट है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. अभी जस्ट आई एम शोइंग यू दिस, यू ऑल नो ऑलरेडी दिस इज सिंस यू हैव स्टडीड फ्रॉम 4th क्लास ओनली. ठीक है. तो प्रिंसिपल हियर 20,000 into rate 9/100 क्वेश्चन में दिया था 9/100 9%. और टाइम पीरियड क्या? 11/12. सो हियर कम 1650. सिमिलरली क्या करेंगे? 10,000 into 8/12 into 9/100 600 will come. 30,000 into 9/100 into 6/12 1350. ऐसे करके आएगा. तो इंडिविजुअली दीज इंटरेस्ट आर कमिंग. ठीक है. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,800. ना दिस यू ऑल नो, दिस इज सिंपल मेथड. वी आर नॉट स्टडिंग दिस मेन हियर है ना. वी वॉन्ट टू स्टडी कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो कि अलग अलग सेपरेटली सेपरेटली ना निकालना पड़े. ठीक है. एंड नाउ वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. नाउ इट इज प्रोडक्ट मेथड. तो अलग अलग अगर आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, तो बेटर है प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. नाउ सी प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. ठीक है. फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है. टोटल ऑफ प्रोडक्ट. टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसका प्रोडक्ट. नाउ मल्टीप्लाई व्हाट? मल्टीप्लाई अमाउंट विद इट्स रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड. जैसे सेम सिमिलर क्वेश्चन है पूरा. ठीक है. ये फुल क्वेश्चन आई हैव जस्ट मेड टेबल दिस है ना. ठीक है. तो मे 1 को 20,000 विड्रॉ किया था, सेम क्वेश्चन पूरा हुई है. जुलाई 31 को 10,000 किया था, सितंबर 30 को 30,000 किया था, नवंबर 30 को 40,000 किया था. क्वेश्चन सेम है. मंथ भी सेम जाएंगे 11864 11864. बट हियर वेन वी आर सॉल्विंग माई सिंपल मेथड, तो हमने एक एक करके इंडिविजुअली एक एक को हमने सॉल्व किया था. ठीक है. बट इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करना मजा नहीं है, बिकॉज इट विल टेक, इट इज मच टाइम कंज्यूमिंग. एंड वी हैव टू सॉल्व अदर पार्ट्स ऑल्सो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट है ना. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पूछ सकते हैं इन द क्वेश्चन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकते हैं. तो इसलिए सेपरेटली कैलकुलेशन इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन एनी वन मेथड जिसमें एक फॉर्मूले में डाले और वैल्यू निकालें. ठीक है. एंड दैट इज प्रोडक्ट मेथड. तो प्रोडक्ट मेथड टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स का टोटल. अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का टोटल. ठीक है. तो मल्टीप्लीकेशन किसका? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमाउंट विद इट्स टाइम पीरियड. देखिए किया मैंने यहाँ पे, 20,000 वॉज अमाउंट, उसका टाइम पीरियड कितना था? 11. तो 20,000 into 11 2,20,000. ये हुआ प्रोडक्ट. टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट आएंगे रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके उन सबका टोटल.
ठीक है, तो 20,000 × 11 2,20,000, 10,000 इंटू इट्स टाइम पीरियड 8 months 80,000, 30,000 इंटू इट्स टाइम पीरियड 6 months ठीक है 180,000, 40,000 इंटू इट्स टाइम पीरियड 4 months दैट इज 160,000. टोटल ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज इन द फॉर्मुला टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज मेंशन, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स ये सारे प्रोडक्ट्स के टोटल, तो हाउ मच इट केम 6,40,000. तो 6,40,000 वी पुट हियर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, रेट वॉज गिवन हाउ मच 9%, तो 9/100 इंटू 1/12, तो आंसर आया 4,800. नाउ सी हियर, व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड इंडिविजुअली तो भी टोटल इंटरेस्ट कितना था 4,800, एंड व्हेन इकट्ठा आपने प्रोडक्ट मेथड से निकाला तो भी इंटरेस्ट सेम आएगा कितना 4,800. तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इंडिविजुअली जो हम सबका इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12 कर रहे थे वो इंडिविजुअली नहीं करना पड़ा, टाइम सेविंग हो गया, इकट्ठा प्रोडक्ट निकाल के सबका टोटल करके एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ी. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग प्रोडक्ट मेथड. अंडरस्टूड व्हाई वी आर नॉट डूइंग फ्रॉम सिंपल मेथड एंड व्हाई वी आर डूइंग बाय प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, अभी भी लेकिन 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 अभी भी इट इज नॉट क्लियर, दिस स्टेटमेंट आई हैव नॉट क्लियर. ठीक है, नाउ यू सी हियर, आई हैव टोल्ड कि प्रोडक्ट मेथड विल बी फॉलोड व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट हियर इन द क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट ईयर विड्रॉन 20,000, देन 10,000, तो अमाउंट सबके इक्वल है क्या? ऐसा किया है क्या कि एवरी टाइम ही इज विड्रॉइंग 20, 20, 20, 20? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नाइदर 10, 10, 10, इक्वल अमाउंट नहीं है, तो अनइक्वल अमाउंट, ये वाला लॉजिक क्लियर हो गया होगा. एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है, दो ड्रॉइंग के बीच का टाइम पीरियड सेम नहीं होना चाहिए. कैसे? सी हियर, फर्स्ट ही हैव टेकन आउट मनी एट फर्स्ट मे, फर्स्ट मे को निकाला मतलब फर्स्ट अप्रैल से सेशन स्टार्ट था, फर्स्ट अप्रैल 2017 से, फिर निकाला कब, फर्स्ट मे को. ठीक है, दिस आई एम राइटिंग हियर, वेट यू ऑल वेट हियर. सी फर्स्ट मे को निकाला, ठीक है, दिस ठीक है. नाउ फर्स्ट मे के बाद कब निकाला, 31 जुलाई को. ठीक है, फर्स्ट मे पूरा हो गया, जून पूरा हो गया, जुलाई मतलब 31 जुलाई, मतलब 3 महीने हो गए पूरे. तो इन दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड है, 3 मंथ. फिर जुलाई के बाद कब निकाला, 31 जुलाई के बाद कब निकाला, 30 सितंबर. 30 सितंबर मतलब जुलाई तो पूरा बीत गया था 31 को ही, मींस जुलाई के बाद अगस्त 1 मंथ, सितंबर 1 मंथ, मींस इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना है, 2 मंथ. तो फर्स्ट टू ड्रॉइंग्स के बीच में टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, नेक्स्ट टू ड्रॉइंग के बीच में टाइम पीरियड है 2 मंथ्स. फिर सितंबर के बाद कब निकाला, सितंबर तो पूरा हो गया था, अक्टूबर, नवंबर 30, मतलब 2 महीने बाद कितना गैप है, 2 मंथ. तो यहां 3 है, यहां 2 है. तो टाइम पीरियड क्या है, अनइक्वल. ऐसा तो नहीं कि हर 2-2 महीने बाद निकाला हो. ठीक है, तो इसलिए अमाउंट वर अनइक्वल, सो आई हैव रिटन अनइक्वल अमाउंट. अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर टाइम पीरियड भी इनके बीच में जो है वो क्या है, अनइक्वल. तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सी कि ड्रॉइंग का अमाउंट इक्वल है कि नहीं है और टाइम पीरियड इक्वल है कि नहीं है. अगर इक्वल है तो लगता है एवरेज ड्यू डेट मेथड, विच आई विल बी टीचिंग राइट नाउ ओनली. और अगर अनइक्वल है, टाइम पीरियड इज ऑल्सो अनइक्वल, ठीक है ना, और अमाउंट इज ऑल्सो अनइक्वल, तो फिर क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, एंड प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. ठीक, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन मल्टीपल ड्रॉइंग्स आर डन. ठीक है, नाउ अब सेकेंड इज एवरेज ड्यू डेट मेथड. सी प्रोडक्ट मेथड तब लगता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो इट्स जस्ट अपोजिट इज व्हाट एवरेज ड्यू डेट मेथड, व्हेन इक्वल अमाउंट विल बी विथड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सी दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अंडरस्टूड दिस? ठीक है, नाउ इसका एग्जांपल ले लेते हैं. If Arun, a partner, has withdrawn 5,000 per month, Arun एक partner है, he has withdrawn from the business
5000 रुपीज पर मंथ मीन्स हर महीने 5000 निकाले, हर महीने 5000 निकाले तो अमाउंट इक्वल हो गया ना, ठीक है, 5000 पर मंथ इक्वल अमाउंट हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट पे ड्रॉइंग पे रेट क्या चार्ज करना है 10%, और कब विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को वी कैन सी हियर, सपोज फाइनेंशियल ईयर आई हैव रिटन, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन होता है तो फाइनेंशियल ईयर हम ले लेंगे क्या, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब सबसे पहले ड्रॉइंग की होगी 1 जनवरी को, फिर की होगी 1 फरवरी को, बिगिनिंग हर महीने की पहली तारीख को, फिर की होगी 1 मार्च को, ठीक है, फिर की होगी 1 अप्रैल को, ओके। अब देखो 1 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। 1 फरवरी और 1 मार्च के बीच में भी टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। 1 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। मींस इंटरवल ऑफ ड्रॉइंग इज इक्वल, यहां पे अलग था, यहां पे इन दोनों ड्रॉइंग के बीच में 3 मंथ था, फिर इन दोनों ड्रॉइंग के बीच 2 मंथ था, तो यहां अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। हेयर बिटवीन सब्सिक्वेंट ड्रॉइंग द टाइम पीरियड टाइम गैप इज ऑफ 1 मंथ ओनली, एंड व्हेन अमाउंट इज इक्वल एवरी मंथ 5000 ओनली, अमाउंट इक्वल एंड टाइम पीरियड ऑल्सो इक्वल, तो फिर जो मेथड लगता है दैट इज एवरेज ड्यू डेट मेथड, ये आपको खुद समझना होगा, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला, हेयर फॉर्मूला इन प्रोडक्ट मेथड, द फॉर्मूला वॉज टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि नाम ही प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 1/12। यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हियर इट इज एट द एंड, ठीक है, टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, हियर इट वाज रिटन टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड हियर इट इज टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स। तो अगर कोई बंदा हर महीने की पहली तारीख को निकालता है, ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, एंड 12 मंथ्स में कितनी बार निकालेगा, 12 टाइम्स। सपोज 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, हाउ मेनी टाइम्स इज विड्रॉन, 12 टाइम्स। निकाला कितना है, 5000 पर मंथ क्वेश्चन में दिया था, तो टोटल कितना निकाला पर मंथ 5000, और 12 टाइम्स निकाला तो कितना हो गया 60000, तो हियर इट इज 60000। टोटल ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, अभी एवरेज पीरियड क्या है, हेयर वॉज 1/12 एंड हेयर इज एवरेज पीरियड। ये भी सुन लीजिए अब, सी अगेन सेम थिंग, जैसे हमने ये सिंपल मेथड सॉल्व किया था, ठीक है, इसको भी हम सिंपल से करें तो 12 टाइम्स हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा। पहले उसके लिए लेंगे हम ऐसा, कैसा, 5000 प्रिंसिपल इंटू रेट 10/100 इंटू टाइम 1 ईयर, फिर लेंगे क्या 5000 इंटू 10/100 इंटू टाइम 11 मंथ/12, तो ऐसे करके 12 टाइम्स विल कैलकुलेट, इट विल गेट मोर देन दी, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट मेथड तो लगाना नहीं है, तो कुछ तो सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव टाइम, दैट्स वाई ओनली ना। तो एक एक करके इंडिविजुअली हर महीने का निकालेंगे 12 टाइम्स, सो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ओके। सो वॉट टू डू, एवरेज टाइम फाइंड करेंगे, एवरेज टाइम, हेयर इन द फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग तो 60 हो गई, रेट अपॉन 100 क्वेश्चन में 10% दिया था, 60 × 10/100 एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड, एवरेज एवी डॉट पी डॉट, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या है और ये कैसे निकलता है, ठीक है, तो एवरेज पीरियड में सी आई हैव रिटन हियर, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 2, तो अपॉन में क्या आएगा, 2। एवरेज टाइम लेफ्ट, सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब की है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद कितना टाइम पीरियड है, साल भर ही है पूरा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ही कब से हुआ है, 1 जनवरी से, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम पीरियड है, 12 मंथ्स, सॉरी हेयर 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, सबसे लास्ट में ड्रॉइंग कब करेगा, सी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, देन लास्ट कब करेगा, 1 दिसंबर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर तक का है, और हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला था मैंने, ठीक है।
तो लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 1st दिसंबर। तो 1st दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर में कितना टाइम है? सिर्फ दिसंबर मंथ। मींस हाउ मच मंथ? 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1 मंथ। तो 12 + 1/2 मींस 13/2 इक्वल टू 6.5। तो यहां पे एवरेज पीरियड जो आया दैट इज 6.5/12। ओके, तो टोटल ड्रॉइंग्स 60,000। हाउ इट केम 60,000? बिकॉज 5,000 विड्रॉन और फुल 12 मंथ्स के लिए। तो 5,000 × 12 हाउ मच? 60,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्या आया? 10/100 बिकॉज इन द क्वेश्चन 10% वॉज गिवन। ठीक है, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला? दिस वॉज द फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग होल अपॉन 2। फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद 12 महीने थे, लास्ट ड्रॉइंग के बाद 1 मंथ था। 12 + 1/2 13/2 एंड 13/2 इक्वल टू 6.5। सो एवरेज टाइम पीरियड केम 6.5 एंड एवरेज पीरियड अपॉन 12 है ना, तो 6.5/12, तो आंसर आ जाएगा 3250। सो इन दिस वे द एवरेज ड्यू डेट मेथड सेव्स अवर टाइम बिकॉज सेपरेटली वी डोंट हैव टू कैलकुलेट 12 टाइम्स इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? सो आई हैव रिटन हियर, सो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग 12 टाइम्स, 12 बार निकालने की बजाय, बिकॉज 12 मंथ्स आर देयर इन ईयर, वी विल कैलकुलेट बाय टेकिंग 6.5 मंथ्स। और फिर मैंने क्लियर किया है व्हाई या हाउ वी टुक 6.5 मंथ्स। कहां से आ गया 6.5 मंथ्स? एवरेज टाइम पीरियड ऑफ 6.5 मंथ इज अराइव्ड बाय दिस फॉर्मुला। दिस वॉज द फॉर्मुला, दिस आई हैव टोल्ड यू, एंड देन आई हैव पुट इट इन फॉर्मुला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय एवरेज ड्यू मेथड, दैट वॉज टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज स्पीड अपॉन 12। सो आंसर गेम्स 3250 ऐसा। लेकिन लेकिन लिसन हियर, अभी इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग टॉपिक इज नॉट कंप्लीट। ये तो सिर्फ एक क्लॉज है, अभी आगे हम बात करेंगे। अभी यहां मैंने क्या बोला, इफ अरुणा पार्टनर विड्रॉस निकालता है, ठीक है, 5000 अमाउंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट सेम होना चाहिए हर मंथ। ठीक है, इसमें 7 to 8 कंडीशंस आर देयर। अभी उसने निकाला कब था? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1st January, 1st February, 1st March, 1st April। अभी आगे हम पढ़ेंगे इफ द पार्टनर विड्रॉस सेम अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या होता है? सपोज जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो जनवरी मंथ का मिडिल क्या है? 15 January सपोज, ठीक है। फरवरी मंथ का मिडिल क्या है? 14 February सपोज। फिर उसके बाद मार्च मंथ का मिडिल क्या है? 15 March सपोज। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, फिर आएगा एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अभी दिस वॉज ओनली वन कंडीशन एवरेज ड्यू डेट मेथड की, सिर्फ ये एक कंडीशन है। तो आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, दिस यू कैन लर्न कि वेन एवर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू कैलकुलेट एनी पार्टनर हैज विड्रॉन सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप ये लर्न कर लीजिए, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करेगा तो एवरेज टाइम पीरियड कितना यूज करना है? 6.5 मंथ। ये मैंने आपको इसलिए शो किया है बिकॉज यू शुड नो, अगर मैं डायरेक्टली आपको 6.5 मंथ बोल देता तो यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड कि 6.5 आया कहां से। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि दिस फॉर्मूला, हाउ डू वी अराइव एट 6.5 एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, तो दिस मेथड इज प्रोडक्ट मेथड, इट विल बी अप्लाइड व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस इज एवरेज ड्यू डेट मेथड, दिस विल बी अप्लाइड व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, बट दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन ओनली। अभी आगे वी आर गोइंग टू स्टडी अदर कंडीशन ऑल्सो, के मिडिल ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करेगा तो एवरेज टाइम पीरियड क्या लेना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ करेगा तो टाइम पीरियड क्या लेना है, और अदर कंडीशन ऑल्सो दे आर इन एवरेज ड्यू डेट मेथड, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ओके, अंडरस्टूड? गो थ्रू इट प्रॉपरली, देन वी विल फोकस ऑन अदर कंडीशन। ठीक है, थैंक यू।